जय श्री राम दोस्तों। तो ये वीडियो स्पेशली वुमेंस के लिए हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद बात करते हैं। यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। लेकिन हिंदुओं की ठेकेदार बनने वाली ये सरकार वोट के चक्कर में आज इतना पागल हो चुकी है कि ये लोग भूल चुके हैं कि दीदी आप, बहन तुम और आंटी आप सब भी इस देश में रहते हो। ऐसा लगता है इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप वोट दो या ना दो, क्योंकि अगर पड़ता तो हमारी महिला पहलवानों के मोलेस्टर ब्रजभूषण सिंह के घर में फिर से एमपी का टिकट ना पहुंचता। अभी आएंगे आपके पास बहुत सारे नफरती चिंटू आपको समझाने कि देखो मोदी जी ने ब्रजभूषण सिंह का टिकट काट दिया, मोदी जी नारी शक्ति के साथ हैं। तो उनसे बस ये पूछना कि फिर उसके बेटे को टिकट क्यों दे दिया, क्योंकि काम चाहे इधर से पकड़ो या इधर से, फर्क क्या है। और ये हल तब है जब कर्नाटक में इनके एक एमपी प्रज्वल रवन्ना ने हजारों औरतों का रेप किया और उसके बाद देश छोड़ के भाग चुका है, और मोदी जी ने उस दरिंदे के लिए स्टेज से वोट मांगे हैं। हमारे देश की शान, हमारी महिला पहलवान रो रो कर हाथ जोड़ जोड़ कर थक गई, मोदी जी प्लीज हमारी बात सुन लो, मोदी जी इस आदमी ने हमारे साथ गलत किया है, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। पर मोनी बाबा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गाय, भैंस, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, क्या आपने कभी सोचा कि ये फालतू के मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों से बड़े कब हो गए? क्योंकि जो इंसान स्टेज पर खड़े होकर वोट जिहाद, लैंड जिहाद और घुसपैठिया जैसे शब्द यूज करता है वो एक प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हो सकता। हाँ, बीजेपी को कोई छुटभैया नेता जरूर लगता है। तो मेरी बस इस देश की महिलाओं से अपील है कि बस इतना ध्यान रखना कि आपके लिए गाय, भैंस, पाकिस्तान, मुसलमान बड़ा मुद्दा है या आपकी और आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा। तो मेरा इस वीडियो दिखाने का सिर्फ ये मकसद है कि जिस प्रकार पहले के टाइम पे या आज भी लोग अन्य अन्य पार्टियों के तलवे चाट रहे हैं, और अब तो ये हो गया है कि बीजेपी को लोग सब देवता समझते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई पार्टी देवता नहीं है, सब अपने मतलब से है। हमें भी थोड़ा अपने नैरो माइंड को थोड़ा स्ट्रांग माइंड और स्मार्ट माइंड बनाना होगा, और वोट देने से पहले सोचना होगा, सही को वोट दें, बाकी घटिया सारी पार्टियां हैं जिसकी लीचड़गिरी या लूट पाट कम हो, क्योंकि लूटने के लिए सब बैठे हैं, अब काम करने के लिए कोई बैठा नहीं, सबको अपना जेब भरना है, जनता से किसी कोई मतलब नहीं। तो जनता को भी सोचना चाहिए कि हमें भी इनसे मतलब नहीं है, हमें भी एक अच्छा उम्मीदवार को वोट देना है, नहीं तो कम बुरे उम्मीदवार को वोट देना है, लेकिन बुरे उम्मीदवार को कतई वोट नहीं देना, किसी पार्टी को कतई वोट नहीं देना। जय श्री राम, इस बात पे ध्यान दें।